अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहा चावला राइट हार्ट योर सर्विस। और एक प्रॉब्लम जो आजकल मुझे हर पेशेंट और हर क्लाइंट बता रहा है वो ये है, बहुत ज़्यादा गैस, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़, क्रैम्प्स, लूज स्टिकी स्टूल्स, डायरिया सुबह के टाइम हो रहा है, जिसकी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रीज़न हीट स्ट्रेस है, मौसम है, और आजकल की जो एक अनप्रडिक्टेबल से, यानी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो वाली क्लाइमेट चेंज है। सबसे पहले तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 5 बजे के बाद खाना ना खाएँ, प्लीज़, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में 3-5 घंटे का टाइम हो, आपके गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम हो खाने को डाइजेस्ट होने के लिए, हजम होने के लिए, ताकि जो सुबह के टाइम स्टूल है आपको वो बिल्कुल आपको नॉर्मल आ सके और आपकी बॉडी को टाइम मिले खाने को डाइजेस्ट होने का। क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपका जो पैरा सिंपथेटिक सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाता है। वो अगर आप बिल्कुल सोने से पहले खाना खाएंगे, वो खाना उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फिर सुबह टूटा फूटा ही डाइजेस्ट होगा, टूटे फूटे स्टूल्स निकलने हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को टाइम नहीं मिलता उसको ठीक तरह डाइजेस्ट करने का। और मिर्चें भी कम लें, खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि मिर्चें भी आपके पास जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन करवाती हैं, और ये भी आपकी जो लूज स्टूल्स हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आपको एब्डोमिनल ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ों का भी आपको इशू होता है। इसके अलावा सौंफ वाले पानी को कांस्टेंट बना लें आप इस सीज़न में। सौंफ आपके पास बहुत ज़बरदस्त एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल है। सौंफ का 1 टेबल स्पून पानी के 1 ग्लास में रात को डालें, सुबह उठ के 1.5-2 ग्लास में पानी को उबालें, थोड़ा सा पानी उबल जाएगा और सुबह उठ के उसी पानी को आप पी जाएं, ठीक है। सौंफ इसके साथ साथ आपके पास पेन भी रिलीफ करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी रिलीफ करता है, गैस भी रिलीफ करता है। और मज़ीद इसमें ठंडी तासीर ऐड करने के लिए आप इसमें पुदीने के पत्ते, मिंट ऐड कर सकते हैं। मिंट अगेन ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, वायरल है। मिंट आपके पास स्टमक ब्लोटिंग रिलीफ करता है। अदरक गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, सिवाय उन लोगों को जिनके जिस्म की गर्म तासीर नहीं है, जिनके जिस्म की गर्म तासीर है, जो लोग ब्लड थिनर्स पर हैं, जिन लोगों को गर्ड और एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, उन्होंने अदरक नहीं लेनी, उनको सूट नहीं करेगा। बाकी सब अदरक ले सकते हैं, ज़बरदस्त एंटी माइक्रोबियल है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ब्लोटिंग के अगेंस्ट काम करता है। इस कावे को डेली अपनी ड्रिंक में इंक्लूड रखें। और एक ड्रिंक जो मैं गर्मियों में हर मील के साथ रिकमेंड करती हूँ, बल्कि एक ड्रिंक सिर्फ एक मशरूब है जो आप हर खाने के साथ ले सकते हैं, बाकी किसी लिक्विड को खाने के साथ नहीं लेते, दैट इज छाछ, बटर मिल्क, जो कि एक ज़बरदस्त प्रोबायोटिक है, आपके गट बैक्टीरिया को रिस्टोर करता है, उसकी वजह से अगर बैड बैक्टीरिया की वजह से ब्लोटिंग हो रही है वो भी कम होती है। छाछ बटर मिल्क बाजार से नहीं खरीदना। 3 हिस्से दही लेना घर का बना हुआ या ग्रीक योगर्ट, 1 हिस्सा पानी लेना, उसमें इतना सा नमक डालना, नमक की ठंडी तासीर होती है, बॉडी को कूल डाउन करता है। 3-4 मिनट उसको मिक्स करना है और इसको हर खाने के साथ पी जाना है। ये आपकी गैस और ब्लोटिंग को रिलीफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और सुबह उठने के बाद आप सब ने 1 घंटा वॉक करनी है। वॉक करने से जहाँ पूरे जिस्म की सर्कुलेशन अच्छी होती है, तेज़ होती है, वहाँ पर आपके जो लिम्फेटिक्स फ्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपकी बाल मूवमेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छी हो जाती है। और जब बाल मूवमेंट, वहाँ पर ब्लड फ्लो आपकी अच्छी होती है, तो फिर आपके जो स्टूल का पैसेज है वो आसान होता है। और उसके साथ साथ जो खाना है, जो फूड का बोलस है, वो सही स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, जिस स्पीड पे उसको बॉडी में ट्रैवल करना चाहिए। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।